अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। और दोस्तों आज आपकी हो गई 14 जुलाई दिन रविवार। तो दोस्तों आज की हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। रविवार की बड़ी अपडेट्स क्या है, सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कल होगी, होंगे अहम फैसले। जी हाँ दोस्तों, अब योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कल होनी है, याद रखिएगा। और 69,200 के कट ऑफ को लेकर सरकार के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच में अपील फाइल हो चुकी है। मिशन सुप्रीम कोर्ट टेट वैलिडिटी प्रकरण की सुनवाई 16 जुलाई 2019 को होगी, देखें केस का विवरण। जी हां दोस्तों, अब टेट वैलिडिटी प्रकरण की जो सुनवाई होने वाली है दोस्तों वो 16 जुलाई 2019 को होनी है। दोस्तों फिर बात करेंगे हम लोग की रिवाइज आंसर की को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, कि सब कुछ हो रहा तो रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं, और कब तक उम्मीद करें दोस्तों शिक्षक भर्ती पूरी होने की। जैसे कि सरकार ने कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल, जो डबल बेंच था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां पर आप लोग का केस फाइल हुआ है। तो दोस्तों क्या उम्मीद जग गई है कि जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी। और रिजल्ट को लेकर दोस्तों अपडेट देखेंगे, किस जिले की कट ऑफ सबसे कम जाएगी और कहां से पाना होगा नौकरी आसान। और दोस्तों 60 और 65 जीतने की उम्मीद जग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पॉजिटिव रूप को देखकर अब 40-45 से मतलब मामला हटकर 60 और 65 की ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जिन बच्चों के नंबर 90-97 से कम है उनका क्या होगा दोस्तों, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लीगल टीम क्या कहती है उस पर भी देखेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा है कट ऑफ, लीगल टीम अपडेट 13 जुलाई 2019, जानिए कल क्या हुआ विस्तार से, ठीक है दोस्तों, इसको भी देखेंगे आज इस वीडियो में। ये था आपका स्पेशल अपील वाला मैटर जो सरकार ने कल फाइल किया है। और दोस्तों कैबिनेट बैठक कल होगी, गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर में रहेंगे सीएम। तो मिशन सुप्रीम कोर्ट टेट वैलिडिटी, जी हाँ दोस्तों आज एक ही वीडियो में आपको काफी न्यूज मिलने वाली है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको एक एक चीज समझना है कि अब क्या होगा आने वाले समय में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, चलिए बात करते हैं एक एक मामले पर कि आप लोग को दोस्तों जो लीगल टीम है वो क्या कहती है, पहले दोस्तों उसको देखेंगे, फिर उसके बाद और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इलाहाबाद बेंच में सरकार द्वारा स्पेशल अपील रीना सिंह की याचिका के विरुद्ध दाखिल कर दी गई है, जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह में होना संभावित है। इस याचिका में रीना सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे इंगेज हैं। सरकार की दाखिल अपील में मठाधीशों से निवेदन है कि बिना वजह हस्तक्षेप करने का प्रयास न करें। उनके हस्तक्षेप और डिटेक्ट न कराने के कारण अब तक ही सामान्य सी भर्ती बिना वजह लखनऊ के खंडपीठ में केसों की चपेटों में उलझ चुकी है। इस भर्ती में एजी सर अगर बहस के लिए आते हैं तो सरकार की मंशा भर्ती के लिए सकारात्मक मानी जाएगी। इसके लिए सभी टीम प्रयास करें कि हमारा प्रयास भी सीएससी और अधिकारियों से मिलकर यही रहेगा कि सरकार काम चलाओ तरीके से आगे ना बढ़े। सिंगल बेंच में मैं खुद एएस एज ए इंटरव्यूअर पार्टी होने के कारण स्पेशल अपील दाखिल कर सकता हूं, लेकिन अभी दाखिल नहीं कर रहे ताकि वह वाई की होड़ से निकलकर भर्ती की अपनी गति पकड़ सके, यही अपेक्षा अन्य बड़ी टीमों से है। तो दोस्तों आगे क्या होता है कि 25वां संशोधन पब्लिश हो चुका है, बीएड अभ्यर्थियों के सभी संशय अब दूर हो चुके हैं। खुद उनके बीच के पुराने नेतृत्वकर्ता भानु यादव साफ कर चुके हैं बीएड का कोई भी केस महत्वहीन है, और फिर भी 2 अगस्त से पहले की सुनवाई तक अगर मुद्दे को मुख्य मुद्दे से साथ उलझा कर रखा गया तो नीति और नियत समझ लीजिएगा कि वह नेतृत्वकर्ता क्या है। तो दोस्तों ये लीगल टीम की कुछ अपडेट्स थी जो उन्होंने कहा कि कल जो आपकी सरकार इलाहाबाद डबल बेंच में गई है उससे क्या फर्क आने वाला है नतीजों पर। क्योंकि दोस्तों चलिए एक चीज अच्छा हुआ है कि अब जो सरकार वकील उनके सामने हायर करेंगी और क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब आगे का मामला सब कुछ साफ कुछ दिखने वाला है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, जो मेन हमारा मैटर चल रहा है ना वो लखनऊ खंडपीठ में ही माना जाएगा, वो तो इलाहाबाद में हो सकता है केस स्टार्ट हो गया हो, लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा दोस्तों वो 2 अगस्त से ही शुरू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वहां की क्या अपडेट्स आएगी दोस्तों, वो ज्यादा बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो दोस्तों कल योगी सरकार का जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसको भी थोड़ा सा एक बार नजर मार लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को लोक भवन में दोपहर 12:30 बजे से होगी। मंगलवार को गुरु पूर्णिमा पर्व पर मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहेंगे। वही अभी तक यह फाइल नहीं हो पाया है कि विभागों के पुनर्गठन का प्रस्ताव इस कैबिनेट में बैठक में आएगा या नहीं। तो दोस्तों चलिए 12:30 बजे से बैठक होनी है,
तो ये एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि भाई मुख्यमंत्री खुद वहां पर होंगे। दोस्तों देखते हैं कि वहां पर क्या अपडेट 69,000 को लेकर कुछ निकल के आता है। तो हमें अपने 69,000 शिक्षक भर्ती को दोस्तों देखकर भी देखना है। तो अब जो टेट वैलिडिटी वाला मैटर था वो 16 जुलाई 2019 को कोर्ट नंबर 4 में होगा, बेंच 1, अरुण मिश्रा, अब्दुल नाजिर ओ, एम आर शाह। ठीक है, आइटम नंबर 6 सिर्फ 200 दिन 6 केस होने हैं। ठीक है, उसमें आखिरी केस है कि ट्रिपल बेंच में टेट वैलिडिटी केस की सुनवाई होगी। उस दिन सिर्फ 6 केस है और हमारा केस सबसे लास्ट में लगा है। अब क्या करना है खुद ही निर्णय करें। तो दोस्तों अब सुनवाई का दौर आपका शुरू हो चुका है, तो मतलब अब आप लोग की जो सुनवाई है वो रेगुलर होने वाली है। तो कुछ ही दिन में तो मतलब आप लोग का जो काम है वो हो सकता है जल्द से जल्द आपका निपटा दिया जाए, मतलब आप लोग की जो नौकरी का प्रक्रिया है आगे वाली चीजें। क्योंकि दोस्तों देखिए अब सरकार भी लखनऊ हाई कोर्ट मतलब लखनऊ डबल बेंच में भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद डबल बेंच में भी। तो कुछ ना कुछ उम्मीद दोस्तों जग रही है कि अब आप लोग की जो भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेगी दोस्तों, और आप लोग को बहुत ही जल्द नौकरी की अच्छी शुभकामना दोस्तों बहुत ही जल्द मिलेगी। लेकिन हाँ अभी दोस्तों थोड़ा आपको वेट नहीं हो रहा है, नहीं आप लोग को पता है लखनऊ खंडपीठ में जो भी होगा वो 2 अगस्त के। तो दोस्तों अब देखना है कि आगे की जो सुनवाई है वो उसका प्रोसेस कैसे होता है और कितना समय लगता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग के सवाल पर भी कुछ बात कर लेते हैं। जो आप लोग के सवाल आए थे दोस्तों कि रिवाइज आंतर की को लेकर क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों अभी सरकार ने फिलहाल रिवाइज आंतर की जारी करने की कोई भी ऐलान नहीं किया है। मतलब जैसे कि अभी आप लोग का मामला इलाहाबाद डबल बेंच में जा चुका है, तो इसका मतलब दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि रिवाइज आंतर की आपकी जारी कर दी जाए। इसके लिए दोस्तों अभी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, इंतजारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि पहले सभी ने अपना पक्ष साफ किया था कि अगर रिवाइज आंतर की दोस्तों जारी हो सकती होगी तो उसमें कुछ नए केसेस एड ऑन हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है यार 100 से ज्यादा क्वेश्चन पर अगर बच्चों ने ऑब्जेक्शन कर रखा है तो मतलब है कि 100 से अधिक बच्चे हैं जो ऑब्जेक्शन इसको फाइल किए। मतलब एक तरह से ये समझिए दोस्तों कि अगर आपने ऑब्जेक्शन पर नंबर नहीं पड़ता और आपने कोई ना कोई साक्ष्य रखा होगा तो उसके आधार पर दोस्तों नंबर ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को या एससीईआरटी की बुक को ही माना जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये बात आपको समझनी है। तो अगर दोस्तों इन बुकों से आपके नंबर नहीं बढ़ते तो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो मतलब अगर दोस्तों आज के डेट में अगर कोई भी रिवाइज आंसर की जारी होती है ना तो उसमें एक लंबी दूर दूर तक दोस्तों देखेंगे नए नए केसेस एड ऑन होने लगेंगे और बच्चे परेशान होंगे। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि रिवाइज आंसर की जारी नहीं हो रही है। और जो बात आ रही थी दोस्तों कि आपकी भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है, दोस्तों देखिए अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा। अगर इलाहाबाद में भी आपका मामला शुरू होता है तो वहां पर भी दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा। ये बात आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट या डबल बेंच जो आपका मामला शुरू होगा वहां ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में मामला समाप्त होगा, 2 डेज में। वहां एक लंबी प्रक्रिया होगी दोस्तों वहां पर भी, जैसे आपके लखनऊ में चल रहा है। तो जब वहां पर समाप्त होगा तो दोस्तों आगे कुछ बात बढ़ेगी। अब दोस्तों बात आती है कि रिजल्ट को लेकर काफी बच्चे मैसेजेस करते रहते हैं आज भी कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखिए दोस्तों रिजल्ट जारी करना इतना आसान नहीं है। मेन बात ये सोचिए दोस्तों कि रिजल्ट जारी कैसे हो सकता है ये समझिए आप। जब तक आपके पास फाइनल पासिंग मार्क पता ही नहीं चलती दोस्तों कि 40-45 है या 60-65, तो रिजल्ट कैसे जारी हो सकता है यही बात दोस्तों आपको सोचना है। क्योंकि दोस्तों जो आपका रिजल्ट जारी होगा इन 2 पासिंग मार्क पर ही डिपेंड करेगा कि बच्चों को 90-97 पर पास करें कि 60 और 67 पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी दोस्तों। अब बात आती है कि यार आप लोग को सवाल आता है कि किस जिले की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये वाजिब सवाल है और कहाँ कम जा सकती है दोस्तों इसकी वीडियो हम लास्ट टाइम में बनाएंगे दोस्तों। क्योंकि हमें पता है अगर दोस्तों आज हम बोलते हैं कि लखनऊ की कट ऑफ सबसे कम जाएगी तो दोस्तों सभी बच्चे यही सोचेंगे यार लखनऊ की कम जाएगी, सब लोग लखनऊ ही पहले अपनी प्रियॉरिटी भर दो। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में ये होगा ना कि लखनऊ की कट ऑफ सबसे कम के बजाय सबसे ज्यादा चली जाएगी। तो ये सब वीडियो दोस्तों लास्ट में आएंगी। और कहाँ से पाना होगा नौकरी ऐसा, तो दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि कहाँ की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो दोस्तों इसकी भी वीडियो आप लोग के लास्ट समय में आपके लिए बना दी जाएगी। लेकिन दोस्तों वो वीडियो को देखिएगा जरूर जिन बच्चों के नंबर थोड़े से कम रहे और जिन बच्चों के नंबर दोस्तों काफी अच्छे हैं, मतलब 80 से अबव जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 80+ गुणांक बन रहा है अगर आपका, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों के नंबर दोस्तों 90-97 से उनका क्या होगा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि अगर आपके नंबर 90 और 97 से कम आ रहा है तो मतलब दोस्तों जैसे अगर मान लेते सरकार डबल बेंच में जाकर जीत भी जाती है एक बार, तो ये बच्चे तो भाई सीधे तौर पर इस शिक्षक भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों अगर कोई बच्चा भाई बहुत ही अच्छा बच्चा है, बीटीसी का ये या बीएड का 89 नंबर लाकर बैठा है, अगर दोस्तों कट ऑफ आपकी 90-97 लग जाती है तो ये बच्चा तो यार किसी भी प्रकार से रेस में रहेगा ही नहीं। मतलब उसी दिन से दोस्तों ये समझे गए ये बच्चे कि वो नौकरी से बाहर हो गए। देखिए दोस्तों
अगर एक बार शिक्षक भर्ती 90-97 पर शुरू होगी तो उसमें कट ऑफ में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब बाद में ऐसा दोस्तों नहीं होगा कि अगर सीट बचती भी है कुछ तो कट ऑफ को कम करके नौकरी देना संभव नहीं हो पाएगा। ये बात भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो होगा दोस्तों पहले होगा, बाद में कुछ भी लागू नहीं होगा नियम। जैसे 30-33 को लेकर दोस्तों आज भी भले केस चल रहा हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन दोस्तों 68,500 में भी कुछ भी हो नहीं पाया फिलहाल फाइनली। तो दोस्तों वैसे ही आप लोग को समझना है कि अगर एक बार कट ऑफ 290-97 लग जाती है फाइनल पासिंग मार्क, तो उसमें भी किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं हो पाएगा बाद में। तो ये बात काफी बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और भी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको समय समय पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे। अगर रात हो रही है तो सुप्रभात।